नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज़। मैं हूं विपिन यादव। क्या देश में आधे से ज़्यादा डॉक्टर फर्जी हैं? तो सोचिए इलाज का क्या होगा। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कैसे फर्जी डॉक्टरों द्वारा गलत सलत इलाज लोगों का किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि 57% से ज़्यादा डॉक्टर फर्जी हैं। अक्सर ये सुनने में आया करता है कि गांव में ही फर्जी डॉक्टरों की भरमार है, लेकिन अब शहरों में भी इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। मुंबई के मलाड इलाके में समाज सेवा संस्था द्वारा एक कंप्लेन की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे मुंबई के मलाड इलाके में इन फर्जी डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ हैं समाज सेवा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर समीर शाह। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने कब और कैसे कंप्लेन की। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये कंप्लेन कॉपीज है, जो कि इन्होंने पिछले एक साल से इसके लिए लड़ रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो समीर जी, बताइए आपने पहली कंप्लेन कब की थी और आपके एरिए में, आपके इलाके में यह घटना कब सामने आई? हमारे एरिए में घटना सामने आई थी 2015 में। हमारी टीम का एक लड़का था जिसके दोस्त के पैर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से उसको एडमिट किया गया था। उसके बाद हमने इंक्वायरी की डॉक्टर के बारे में, तो हमें पता चला वो डॉक्टर फर्जी है। फर्जी होने के बाद हमने एक कंप्लेन बनाई, जो हमने बीएमसी में डिस्पैच की 2 जनवरी 2016 को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने काफ़ी वेट किया उस बारे में कि बीएमसी हमारी प्रशासन जो है डॉक्टरों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 18 अक्टूबर 2016 में एक कंप्लेन फिर से किया कि अगर हमारी प्रशासन के पास टीम अगर नहीं है तो हमें अपनी मदद के लिए रखे, या हमारे साथ हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उनकी हेल्प के लिए, तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। आपने जैसे बताया कि आपकी संस्था, जैसे आपने आपके इलाके में आपने पाया कि एक डॉक्टर जो फर्जी है, तो आप खुद इंस्पेक्शन करने गए थे कि आपके संस्था के लोग जो काम करते वो गए थे? कैसे आपको पता चला कि हाँ ये डॉक्टर फर्जी है? हमारी संस्था में जो टीम के मेंबर्स हैं उनके फ्रेंड के साथ ये हादसा हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के कुछ लोग वहाँ पे गए थे डॉक्टर की इंक्वायरी किए, तो हमें मालूम पड़ा कि वो डॉक्टर फर्जी है। उसका डिग्री किसी और का है और बैठता कोई और डॉक्टर है। हमने उसका डिग्री की डिमांड भी की दिखाओ करके, तो उसने हमें दिखाया अपना इंटरमीडिएट का डिग्री, जो कि हर घर में दो बच्चे इंटरमीडिएट किए हुए रहते हैं। अगर ऐसे डॉक्टर है तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि हर घर में दो डॉक्टर अवेलेबल है, तो हमें बाहर डॉक्टर के लिए जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही डॉक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में ऐसे कितने फर्जी डॉक्टर अभी भी सक्रिय हैं यहाँ पे? अभी हमारी टीम ने जिस हिसाब से इसका इंक्वायरी किया है, हमारे पास 12 से 15 डॉक्टरों के नाम आए हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। सबसे पहले आपने कब कार्रवाई की उस डॉक्टर के खिलाफ जहां आप गए थे? आपने इंस्पेक्ट किया, आपने देखा कि वहां पे कि किसी नाम किसी और का है और कोई और डॉक्टर बैठ रहा है, तो क्या आपने उसकी पुलिस कंप्लेन की? हमने इसके लिए एक लेटर बनाया था जो पुलिस स्टेशन और बीएमसी में दिया था 2 जनवरी 2016 में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई कार्रवाई ना होने के बाद हमने कुछ दिन वेट किया और उसके बाद दोबारा भी हमने एक लेटर बनाया, जिसमें हमने बीएमसी से ये मांग की थी कि सर अगर आपके पास टीम नहीं है तो हमारी टीम पूरी आपके मिलकर काम करना चाहती है इसके लिए, तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। अभी हमने रिसेंट में ही 3 मार्च को भी एक लेटर डिस्पैच किया, उसका भी कोई जवाब हमें नहीं मिला। फिर हमने कल हमारी वार्ड ऑफिसर मैडम है मिसेज हसनाले, उनसे बात किया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात कराई हमारी, वो जो संजय, उनका नाम है समथिंग संजय करके, वो अमेजरा बिल्डिंग में बैठते हैं। उन्होंने एक डॉक्टर से हमें बात कराई, बोले डॉक्टर हैं अशोक करके, ये इस मामले की तहकीकात करेंगे और सारे डॉक्टर के पास अगेंस्ट में कंप्लेंस करेंगे। तो क्या लगता है कि आपको 3 बार आपने कंप्लेन कर चुकी है? जैसे मेरे हाथ में एक लेटर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जनवरी को उन्होंने ये कंप्लेन की हुई है, जिसपे इनका बीएमसी का स्टैम्प भी लगा हुआ है। उसके बाद आपने 18 अक्टूबर 2016 को कंप्लेन की, और अभी रिसेंट जो है वो इन्होंने तीसरी कंप्लेन की है 31 मार्च 2017 को। आपको लगता है कि इतने अश्योरेंस मिलने के बाद भी इस बार कार्रवाई होगी? जी हाँ, हमें लगता है। इसके पहले हमने कभी हमारे वार्ड ऑफिसर से मीटिंग नहीं की थी, उनसे हमारी मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। जिस हिसाब से उन्होंने हमें सीनियर डॉक्टर से मिलवाया, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होगी। मिस्टर शाह, बताइए कि आपके पास कितने नामों की लिस्ट है डॉक्टरों की जो कि फर्जी अपना ये दवाखाना चला रहे हैं? हमारी समाज सेवा एसोसिएशन की टीम ने मालवनी में
10 से 12 डॉक्टरों की लिस्ट बनाई है जिनके पास डिग्री वैलिड नहीं है। हमने अभी सबके ऊपर कंप्लेन नहीं की है, सिर्फ एक ही डॉक्टर पे अभी तक कंप्लेन की है, डॉक्टर एस के तिवारी, जो डॉक्टर बन के बैठे हैं पर वो डॉक्टर नहीं है। उनकी डिग्री किसी और के नाम से है, डॉक्टर तुफेल अहमद, जो यहाँ पे मुंबई में आते भी नहीं जल्दी कभी। उनके हाथ से ये हादसा हुआ था कि हमारे फ्रेंड जो हमारे संस्था में मेंबर्स हैं उनके दोस्त की पैर में इंजेक्शन उन्हें कुछ लगाया था जिसकी वजह से उनको पैर अपनी गंवाना पड़ा था। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने 10 से 15 डॉक्टरों की लिस्ट बनाई और इनके पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं की। उनको हम एक मौका और देना चाहते हैं कि वो किसी के जान के साथ खिलवाड़ ना करें, जो काम उनको आता है वही करें, डॉक्टरी बल्कि विनती है कि वो डॉक्टरी ना करें ताकि किसी और की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। क्या आपने अपने लोकल अथॉरिटीज जैसे नगर सेवक हो गए, विधायक से, उनसे भी इस बात की शिकायत की थी? जी हाँ, हमने इस बारे में हमारे MLA असलम शेख से इस बारे में बात की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके बारे में कार्रवाई होगी, पर अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो जैसे आपने देखा कि कैसे आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कैसे बेसिक हेल्थ सर्विसेज का इंडिया में बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे लोगों को ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और उसके तहत उसके ऊपर अगर यहाँ पे ऐसे ही फर्जी डॉक्टर सक्रिय रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़के को अपनी टांग खोनी पड़ी क्योंकि फर्जी डॉक्टर ने उन्हें गलत दवा दी थी। देश की सबसे बड़ी संस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में लगभग 2 लाख डॉक्टर फर्जी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फर्जी डॉक्टरों का एक जाल बिछा हुआ है पूरे देश में। क्या इन फर्जी डॉक्टरों पे कार्रवाई होगी? क्या ऐसे सामाजिक संस्था के लोग ऐसे ही भागते रहेंगे, ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती? इन्होंने 3 लेटर्स दिए हैं BMC में जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 1 साल से ये अथॉरिटीज के पीछे भाग रहे हैं कि इन फर्जी डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या ऐसे ही इन फर्जी डॉक्टरों की दुकान चलती रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमारी सरकार को इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी और इनके खिलाफ एक ऐसा लॉ लाना होगा, एक ऐसे कानून लाने होंगे जिससे कि ये देश में सक्रिय ना हो सकें।